इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने रेड कार्यवाही की है। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जय स्तंभ चौक से अंदर विंध्या हॉस्पिटल के सामने संचालित एक लॉज में पुलिस ने छापा मारा है। आपको बता दें कि लंबे समय से उक्त लॉज में सेक्स रैकेट चलाने की जानकारी मिल रही थी। लगातार मिल रही सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों ने एक टीम गठित कर दबिश दी है, जहां से बताया जाता है कि चार जोड़े पकड़े गए हैं। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जाता है कि जांच पड़ताल में बड़े स्कैंडल का खुलासा हो सकता है। नहीं यार, ऐसा कुछ उनका चक्कर जाता है, नहीं जैसे ये तो अवैध वाला है। अच्छा कुछ यहाँ पे 5 मीटर के अंतर का व्यक्ति है हेलो, नाम इनकी है जो यहाँ पर पैसा नहीं था। हाँ, आरिफ नाम है मेरा, नाम बाबा दे लो बाबा। क्या चीजें देखने को मिली यहाँ, कई शिकायत भी लोगों के द्वारा की जा रही थी, क्या दिखाई? हाँ, अभी सूचना मिली थी कि होटल में कुछ युवक युवतियाँ हैं और उस संबंध में आवश्यक टीम गठित करके महिला अधिकारियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया है। ये पाया गया है कि कुछ होटल्स में लड़के और लड़कियां हैं। प्रथम दृष्टया जो अभी तथ्य सामने आया है तो प्रेम संबंध का विषय है, कुछ लड़के और लड़कियां आपस में प्रेम संबंध के इशू पर यहाँ पे हैं। उनके दस्तावेज देखे गए, सारे लोग बालिग हैं, ऐसा कोई अभी प्रथम दृष्टया ऐसा विषय नहीं है कि अनैतिक व्यापार से संबंधित हो। अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है, होटल की भूमिका के संबंध में जांच की गई, जैसा होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके बारे में पूर्व में भी सूचना आती रही है कि यहाँ अवैध धंधा कुछ दलाल? मेरे समय में तो ऐसी सूचनाएं नहीं मिली हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, इस संबंध में अगर कोई इनपुट होगा या पूर्व में ऐसी कोई हिस्ट्री होगी होटल की, इस संबंध में आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। होटल का क्या यूज इसी चीज के लिए हो रहा है? होटल्स का उपयोग की बात भूमिका के संबंध में जाँच की जाएगी। यद्यपि जो होटल्स का रूल है ये है कि कोई भी व्यक्ति जो बालिग हैं, पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, कोई भी रुक सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर विषय इसके संबंध में पूरी जांच के बिना कुछ कह पाना भाई संभव नहीं है।